दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। समय बीतता है, राक्षसों का प्रकोप बढ़ रहा था। ऋषि मुनियों का तपस्या और यज्ञ करना अत्यंत दुष्कर हो गया था। उम्र के श्री राम को भयंकर राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम को ही चुना। इसी समय मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर रचा। भगवान शिव के महान पिनाक धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया। लक्ष्मी रूपा सीता के साथ विवाह कर मनुष्य रूप में पूर्ण हुए। सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहरताई। दक्षिण में हनुमान जी ने समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में सीता माँ को ढूंढ निकाला और सीता जी को प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी दी। पूंछ में आग लगते ही महावीर हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी, पर रावण तो मायावी था, बाण लगने पर भी मानो बार बार जीवित होता था। मैं क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसम से को दंड। श्री राम की कमान से निकले उस तीर से रावण धरती पर गिर पड़ा और उसका वध हो गया।